हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साउंड इंजीनियर्स। इससे पहले मैं पार्ट वन में बना चुका हूँ 0 to 61 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंजीनियरिंग फॉर JSSC JEE एग्जाम। और इस पार्ट में मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा, यानी 62 टू जो लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगा। तो गाइज प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं JSSC JEE का जनरली, तो आप प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द रनर। बेसिकली पूछ रहा है कि शाफ्ट पावर एंड रनर पावर के रेशियो को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो टू इंच स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होता है, फिक्स्ड इनडिटर्मिनेट होता है, कंटिन्यूस भी इनडिटर्मिनेट होता है। तो 3 इंच आर्च जो होता है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हिंज लगा होता है जिसके वजह से विदाउट नोइंग एनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग ये इक्वेशन को, ये आर्च को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, फॉर अ 45 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार द एडिशनल लेंथ फॉर वन बेंट अप एज। तो इस तरह से यदि हम इस तरह से बेंड करें, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो एडिशनल लेंथ कितना होगा, यानी ये एंगल लेंथ पूछा है एडिशनल, यानी पहले तो इतना होना था और बाद में ये है, तो चेंज है, यानी दिस माइनस जब दिस करेंगे तो हमारा एडिशनल लेंथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे डी जो होता है वो ये है, हाइट होता है, ओके। और 45 डिग्री के केस में इसका वैल्यू आ जाएगा 0.42 डी। कैसे निकालें ये मैं बता दिया कि इसका वैल्यू आप निकाल लोगे, उसके बाद इसका वैल्यू माइनस करोगे उसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डी 0.42 डी हो जाएगा। और इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी होता है, 30 डिग्री के केस में डिफरेंट होता है, 60 डिग्री केस में भी डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है 45 डिग्री पे। और यहाँ पे सिंगल बेंट अप पूछा 0.4 डी हो जाएगा, डबल पूछता तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द ISI फॉर बिटुमिनस ग्रेड ऑफ 45 एंड अबव। तो 45 एंड अबव ग्रेड के लिए जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए डक्टिलिटी का, दैट हैज़ टू बी 75 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अ प्लान वॉज फाउंड टू बी 240 मीटर वैन मेजर्ड विद अ स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स विद अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो दो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है एंड एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है, नहीं सेकेंड वाले के केस में, तो इस केस में सिंपली जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द रॉन्ग स्केल। रॉन्ग स्केल के कहने का मतलब है यहाँ के जो पहले से था 1/1000 डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल, यानी जो स्केल पे जो हमको चाहिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, N2 हो जाएगा मेजर डिस्टेंस इनिशियल वाला, ठीक है, 240। ये आप यदि कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 120, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड आर स्पेसिफाइड एंड डिजाइनेटेड बाई मिक्स डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 69, द स्ट्रेट लाइन कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है उसमें स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस रीजन पे ही हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर हैविंग यूडीएल ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर इन एंटायर लेंथ। तो ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है, तो इस केस में शियर फोर्स पूछा है कि सेंटर में कितना होगा, तो शियर फोर्स सेंटर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया SFD का मतलब शियर फोर्स डायग्राम हो गया, तो यहाँ ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर। कोई भी पावर हो, यहाँ पे यूनिट हमेशा क्या होता है, किलो वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर
इफेक्टिव प्रेशर एंड पोर प्रेशर, ठीक है, सिविल का क्वेश्चन है और जिन जो भी सिविल से वो आसानी से ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्या होता है इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द प्लेसिंग ऑफ रेल्स ऑफ द ट्रैक एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1:20 इज नॉन एज। तो इनवर्ड स्लोप यानी इस तरह से जब हम ट्रैक बिछाते हैं तो इस ये जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, तो टिल्टिंग ऑफ द रेल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बैचिंग ऑफ द मटेरियल इन मेकिंग कंक्रीट शुड बी डन प्रिफेरेबली वे। तो बैचिंग दोस्तों दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं, वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग जो होता है वो मतलब वेरी जब क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत स्मॉल हो तब वॉल्यूम बैचिंग यूज करते हैं, बट ज़्यादा बड़ा काम के लिए हम लोग जो और जो एक्यूरेट होता है वो वेट बैचिंग होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टैंड बाय पावर प्लांट। तो स्टैंड बाय पावर प्लांट के लिए जो हमारा डीजल पावर प्लांट ज़्यादा सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज हैविंग हायर हार्डनेस। तो हायर हार्डनेस किसका होगा, देखो जैसे ही हम लोग कार्बन बढ़ाते हैं स्टील में तो क्या क्या बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ता है और उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, ब्रिटलनेस वो बढ़ता है। ठीक है, तो कार्बन स्टैंड जिसमें ज़्यादा होगा कार्बन कंटेंट उसमें हार्डनेस भी ज़्यादा होगा, तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली वेरी विथ। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है किस फैक्टर के डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली वैरी करता है, तो लेंथ जब हम लोग पढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है 12th का। क्वेश्चन नंबर 78, द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट, ये सिविल का है, तो सिलिका जो होता है उसका परसेंटेज हो जाता है 17 to 25%। क्वेश्चन नंबर 79, कॉम्पैक्शन इन कॉन्क्रीट इज डन टू एलिमिनेट एयर बबल्स। क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल कौन सा होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, HgCl2 जो होता है, मर्करियस क्लोराइड होता है वो इनसॉल्युबल होता है, एक और होता है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ये सिंपली हाईवे का क्वेश्चन है और इसमें स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस पूछा, तो आप सिंपली 0.278 VT प्लस V²/254F का फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना कि टू वे बोल रहा है कि वन वे बोल रहा है, यहाँ पे टू वे है तो जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, वन वे बोलता तो इसका दोगुना हो जाता स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सारा वैल्यू यदि आप पुट करोगे एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 82.11 मीटर एज स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 82, विच कूलिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर इंजन ऑफ मोटरसाइकिल स्कूटर एंड मोपेड। ठीक है, तो कौन सा कूलिंग सिस्टम होता है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, द स्लॉट एंगल ऑफ एन ऑल्टरनेटर हैविंग एन इक्वल टू स्लॉट पर पोल एम इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, तो यहाँ पर स्लॉट एंगल पूछा तो हो जाता है 180 बाय हो जाता है एन हो जाता है यानी स्लॉट पर पोल, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी दिस व्हेन द चेन वॉज कंपेयर्ड विथ अ स्टैंडर्ड चेन इट वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग द टू लेंथ ऑफ द लाइन। बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो चेन पहले मेजर किया था वो जब बाद में उसको स्टैंडर्ड चेन से कंपेरिजन किया गया तो वो चेन का लेंथ थोड़ा सा लंबा निकला और वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा निकला, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना मेजर हुआ। तो इसमें सिंपली फार्मूला होता है एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, जो चेन लेंथ होता है रॉन्ग वाला वो हो जाता है ऊपर में, यानी इस केस में कितना हो जाएगा 20.1 और एक्चुअल में 20 × मेजर डिस्टेंस 520। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 522.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ई वैपोरेटर इन रेफ्रिजरेंट प्लांट। तो ई वैपोरेटर क्या करता है दोस्तों,
रेफ्रिजरेंट प्लांट में ये हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द बॉडी, जिसको हमको कूल करना है, ठीक है, यूजिंग रेफ्रिजरेंट। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 86, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज नॉर्मली इन विच परसेंटेज स्लैब ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट का केस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली जो होता है वो 8 to 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग्स रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग्स। तो इक्वलाइजर रिंग्स जो होता है वो उस किसमें रिक्वायर होता है, तो लैप वाइंडिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें इक्वलाइजर रिंग्स का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर स्टीम टर्बाइन। तो स्टीम टर्बाइन के लिए मतलब बेसिकली स्टीम टर्बाइन का यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, मतलब कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो हीट एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी मैकेनिकल वर्क में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स अपॉन। तो डैम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इसका हाइट पे करेगा ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, गामा एच हो जाता है, यानी रो जी एच। तो हाइट पे करेगा, यानी इस केस में डेप्थ हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द करंट ऑब्टेंड व्हेन अ 30 वोल्ट सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज ट्रांसफॉर्म टू अ करंट सोर्स। तो करंट का वैल्यू पूछा, तो वी इक्वल टू आई आर हो जाता है। तो आई का वैल्यू जब निकालोगे वी बाय आर, तो इस केस में हमारा 30/6 करोगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, डबली रेनफोर्स सेक्शन आर जनरली अडोप्टेड व्हेन। कब हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन अडोप्ट करते हैं, जब डिजाइन मोमेंट एक्सीड कर जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जब वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है 0.55, और इस केस में सीमेंट का जो वेट होता है एक बैग में कितना हो जाता है, 50 kg। 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 27.5 kg, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे केजी पे नहीं है, यहाँ पे केजी पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए सही है। जब लीटर में निकालोगे तो यहाँ पे आपको 50 से मल्टीप्लाई ना करके 0.035 m³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 35 लीटर से। तो उस केस में 19.5 लीटर आ जाता आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शंस थोड़ा गलत है, यूनिट गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑस्मोस्कोप। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स बिकॉज। तो मरकरी जो होता है बैरोमीटर्स में यूज होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर होता है वेरी लो होता है, डेंसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो उसी से यहाँ पे ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। ओके, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4 मीटर स्पैन। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मीटर लगा हुआ है, 1 मीटर पे और 3 मीटर पे, यहाँ पे 2 kN लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना हो जाएगा, सिमेट्रिक लोडिंग है तो 2 kN हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील कितना हो जाता है दोस्तों, 2 × 10⁵। देख लो किसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, द वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट बॉक्स यूज टू मेजर स्टोन एग्रीगेट एंड सैंड। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वे जनरली 1.25 क्यूबिक फीट होता है। लीटर में बात करें तो 35 लीटर होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 यहाँ पे इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि दो इंडक्टेंस सीरीज पे जॉइंट है और इसका इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ 5H और दूसरे का 10H दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल जो है वो M12 का वैल्यू दिया 3H। इसका फॉर्मूला हो जाता है जो टोटल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है L1 + L2 + 2 × M12, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे आप 2 × 3, तो ये 21H आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज व्हेन नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम
कंडीशन, बेसिकली अननोन ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, इन अ सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, रोटेटिंग फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस होता है इन सिंगल फेज रिलक्टेंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मेन एज वेल एज ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर जनरेटर एनालाइजर इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पॉइंट अबाउट विच फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग व्हेन टिल्टेड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है। जब फ्लोटिंग कोई बॉडी है और यहाँ से थोड़ा सा इसमें हमको टिल्ट, हम लोग टिल्ट इसमें प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉडी क्या होने लगेगा, ऑसिलेट होने लगेगा, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट में ऑसिलेट होता है उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक हेड ऑफ फ्लूड, तो यहाँ पे काइनेटिक हेड जो होता है उसको डायनेमिक हेड भी बोलते हैं, यानी बी स्क्वायर बाय 2g जो होता है उसको ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IS द शेप ऑफ लाइन कैनाल इज ट्रेपेजॉइडल। क्वेश्चन नंबर 105, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल 20, 30 एंड 25% रिस्पेक्टिवली, देन लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फार्मूला हो जाता है वो होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये सिविल का क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स का। यहाँ पे सारे वैल्यू वैल्यू पुट कर दो आप, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 20 दिया है, ये 30 दिया है और IP का वैल्यू 25 दिया है, ठीक है। इसको आप जब पुट करोगे तो यहाँ पे -10/25 आएगा, दैट मीन्स -0.4, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, तो इसमें बोल रहा है कि देखो इस ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा है उसका यूनिट चेंज कर दिया है, देख रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा का, यानी इस तरह का डेल्टा जो होता है 8.64 B/D जो होता है, यहाँ पे ये डेल्टा मीटर में आता है और ये बेस पीरियड डेज में होता है, ड्यूटी होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक में होता है, ठीक है। अब जब ये मीटर में आएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 864 B/D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी स्मॉल डी है, तो यूनिट में हमेशा ध्यान देखना, स्मॉल डी है यहाँ पे ड्यूटी, तो स्मॉल डी वाला जो होगा तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अर्थ रेसिस्टेंस, अर्थ रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेगर, ओके। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ दिस अक्रॉस अ सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ 125 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है और इसका कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर बी होगा 14.9 ओम। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी न्यूमेरिकल है, टफ है, और वो अदर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए, तो उस क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सिविल एंड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 109, हारमोनिक्स इन ऑल्टरनेटर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो हारमोनिक्स ऑल्टरनेटर्स में हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो बाई कोडिंग एंड स्क्वींग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 110, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में वॉल्यूट का फंक्शन क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या करता है, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है एन एग्जाम्पल ऑफ टेंशन मेंबर, तो टेंशन मेंबर किस कौन सा होता है, टाइप को टेंशन मेंबर भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैकेनिकल का, IC इंजन का है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फायरिंग ऑर्डर इन 6 सिलेंडर, तो पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113, एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग स्क्रैप वैल्यू इज जनरली टेकन एज 10%। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्सेस टू विस्कस फोर्स, किसको बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर को बोलते हैं, ऑप्शन सी से सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज इन यूजिंग स्टील एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। चलो स्ट्रक्चरल मटेरियल में स्टील को जब हम यूज करते हैं तो किसके वजह से करते हैं, यानी व्हाट इज द मेन एडवांटेज बिहाइंड दैट, तो किस लिए यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट होता है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, तो 118 में तीन रेसिस्टेंस दिया हुआ है और तीनों पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से 10 है और दूसरा 20, तीसरा 30 है, ओके, और यहाँ पे वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ 60। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालोगे सीरीज में क्या हो जाता है, तीनों का समेशन हो जाएगा तो 60 ओम हो जाएगा, और यहाँ भी का वैल्यू 60 दिया है, तो यहाँ पे जब करंट अब निकालेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी भी वे आर करेंगे तो 1 एम्पियर करंट आ गया। अब पूछ रहा है कि वोल्ट क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू आर टू, यानी 20 ओम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वोल्ट क्या होगा, तो वोल्ट क्या हो जाता है दोस्तों, आई आर हो जाता है, आई का वैल्यू 1 हम भी हमने निकाला इंटू आर, आर क्या हो क्या था सेकंड वाले के लिए 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 वोल्ट, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इधर कुछ क्वेश्चन बच गया 114, रेजिस्टेंस ऑफ आ मीटर एंड इट्स कनेक्शन विद द लोड शुड बी, तो आ मीटर का रेजिस्टेंस एंड इसका जो कनेक्शन है उस क्या होना चाहिए, तो दोनों लो होना चाहिए और सीरीज में होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस आमीटर का लो होना चाहिए और इसका कनेक्शन सीरीज में होना चाहिए लोड के करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 115, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इफिशियंसी, ल्यूमिनियस का सिर्फ देता तो लुमेन होता, ल्यूमिनियस इफिशियंसी का पूछा तो लुमेन पर वाट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिक्सचर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सलरेशन, तो इस केस में रिच मिक्स हमको चाहिए एक्सलरेशन के लिए, मतलब जल्दी एक्सलरेटर मतलब क्या, मतलब जल्दी सेट हो जाए, ठीक है, कोई भी कंक्रीट है तो उसमें हमको जो मिक्सचर चाहिए वो रिच मिक्सचर चाहिए। अगला क्वेश्चन था परमिशेबल डिफ्लेक्शन इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मस्ट नॉट एक्सीड, तो यहाँ पर थोड़ा हमको डाउट हो रहा है यूनिट में, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन का यूनिट ये हमको लग रहा है सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे जो होता है फिनिशिंग और विदाउट फिनिशिंग होता है, जब फिनिश हो जाता है तो 250 mm होता है, विदाउट फिनिशिंग में 350 mm होता है डिफ्लेक्शन, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, मतलब आशा करता हूँ कि जितने भी सॉल्यूशन में बताया हूँ मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आर करेक्ट, यदि आपको लग रहा हो कोई भी आंसर मैंने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें ब्रांच वाइज, तो जनरल इंजीनियरिंग में सारे क्वेश्चन मैं बात करूँ तो अप्रोक्स में 1 out of 120 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन छोड़ के 70 क्वेश्चन एक सिविल का बंदा आराम से बना सकता है, ठीक है, 70 क्वेश्चन, और इसमें से भी मैकेनिकल वाला पार्ट जैसे थर्मोडाइनमिक्स और कंडेंसेसर जो कंप्रेसर होता है वो बॉयलर वो सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने पे और इलेक्ट्रिकल का जो सर्किट सिस्टम होता है वो पढ़ लेने से आप आराम से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे इसमें करेक्टली, ठीक है, और इस केस में सिंस इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया यानी 80 क्वेश्चन पूछेगा इस साल, तो 80 क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 50 क्वेश्चन आराम से सिविल वाले बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट स्टडिंग अदर ब्रांचेज पेपर। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एवरीवन।